नमस्कार मित्रों, आज थोड़ा आपसे सोचा कि रोज केवल हम लोग बातों की चर्चा करते हैं, आज कुछ करके जो करने से मुझे लाभ मिलता है और बहुतों को लाभ मिलना है, आपको भी मिल सकता है। और व्यस्तता भरे जीवन में कम समय में अगर आप इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हैं तो ये आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बहुत सारे योग संस्थाएं, बहुत सारे योग गुरु इस बारे में सिखा रहे हैं। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं या स्वामी रामदेव को फॉलो करते हैं या अन्य भी जो संस्थाएं ले दे करके सब वही पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित जो भी योग और आसन प्राणायाम है उनका अभ्यास, लेकिन है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने और सुनने से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि ओशो कहते हैं ना कि जो भी महापुरुष हुए या एक लंबी यात्रा है उसके बीच एक गैप लंबा है। आधुनिक मनुष्य मस्तिष्क के स्तर पर बहुत अधिक विकसित है, उसे चीजें बड़े कंडेंस फॉर्म में चाहिए, बहुत संक्षिप्त में चाहिए, समय की चुनौती है उसके साथ और वो कनेक्ट कर सके अपने आप को। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई योगी आसन कर रहा है या प्राणायाम कर रहा है तो उससे हमारी मानसिक दूरी बन जाती है, हमें लगता है ये बड़ा असंभव सा, ये चमत्कार जैसा है या इसके लिए बाबा योगी होना आवश्यक है। मैं मानता हूँ इन सारी चीज़ों को, इन धारणाओं को अलग, सब कुछ मनुष्य के लिए ही है, आप किसी भी रूप में मनुष्य के लिए ही है। और थोड़े से अभ्यास से, थोड़ी सी इच्छा शक्ति से, थोड़ी सी निरंतरता से आप चीज़ों को करके उसका परिणाम, उसका वैज्ञानिक रूप से आप परिणाम देख सकते हैं। तो मैं जो सुझाव दूंगा और जो लोग अन्य साधना विधियों से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि लगभग इसकी रिकमेंड जब से कोविड बढ़ा है, जब से लोगों को इम्यूनिटी का चैलेंज आया है, ये 5 बेसिक प्राणायाम सभी को सजेस्ट किए जाते हैं। यदि आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, किसी थोड़ा बस ये है कि आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इसके पीछे साइंस जो है वो बेसिक बस आप इतना अभी जान लीजिए कि जब आप पद्मासन में या मेरुदंड सीधा कर करके बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो आप पे बहुत न्यूनतम काम करती है। तो जब न्यूनतम काम करती है तो चेतना को ऊपर उठाने में ये आप में को बहुत सहायता मिलती है। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है, कभी इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो मैं आपको कहूँगा, जो लोग इस तरह अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वो अर्ध पद्मासन में भी बैठ जाएं। जो पूर्ण पद्मासन अगर आप अभ्यास में नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे आपके घुटने में, आपकी थाइज में, आपके कमर में, बैक में पेन हो सकता है। और अगर आप नियमित अभ्यास नहीं करते हैं और इसे जब आप शुरू करें तो थोड़ा सा अपने घुटनों पे, अपने ज्वाइंट्स पे हल्के से किसी भी एक आयल का हल्का सा मसाज कर रखें ताकि उसकी सॉफ्टनेस, स्मूथनेस बनी रहे। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह नहीं बैठ पा रहे हैं तो आराम से आप इस तरह से फ्लैट जमीन पे पैर को रख कर करके, और सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम करिए, क्योंकि नाभि संस्थान जो होता है हमारा वो चेतना का मूल है और उस नाभि संस्थान को सक्रिय जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे गहरे विश्राम के साथ साथ हमारी चेतना जो है नाभि के इर्द गिर्द केंद्रित होने लगती है, मस्तिष्क से विचारों का प्रवाह कम करती है। इसीलिए कपालभाति को सभी साधना विधियों में बेसिक प्राणायाम में जोड़ा गया है। तो आप ऐसे बैठ जाए, थोड़ा सा कंधे को ऐसे कर करके कि मतलब आपका ये हिस्सा जो है थोड़ा सा बाहर की ओर होगा, जब ये बाहर की ओर होगा तो नाभि थोड़ी सी आपकी अंदर की तरफ है, और सांस को तेजी से बाहर की ओर 15 से 20 बार फेंकना है आपको। आप देख सकते हैं, आंखें बंद रखेंगे और हथेलियों को आसमान की ओर करके थोड़ी देर विश्राम आराम से सांस ले सकते हैं। जो कुछ भी इस स्पंदन आपको अपने हाथ पैर शरीर में महसूस हो रहा है बस उनके प्रति सजग होते चले जाए। दूसरे चक्र के लिए हम तैयार होते हैं, हाथों को फिर घुटनों पे
ऐसे रखें और कंधे ढीले पीछे की तरफ और तेजी से सांस को 15 से 20 बार बाहर की ओर छोड़ें। विश्राम करेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर रख लें। सांसों के प्रति सजग रहे। तीसरे और अंतिम राउंड के लिए फिर हथेलियों को नीचे की तरफ घुटनों पर रखेंगे और फिर 15 से 20 बार कंधों को ढीला छोड़ करके पीछे की ओर रखेंगे थोड़ा सा, फिर 15 से 20 बार सांसों को तेजी से बाहर की ओर छोड़ेंगे। जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपनी नाभि पे रखेंगे। आप जितना आप नाभि को रखेंगे उतनी नाभि आपकी अंदर की तरफ जाएगी और उतनी तेजी से पूरी सांस को फेफड़ों से खाली करती है। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेते हैं। आंखों को खोल लेंगे। अब जो दूसरा प्राणायाम हम करेंगे इसके बाद वो कैंडल ब्लोइंग। कैंडल ब्लोइंग प्राणायाम आप समझ रहे हो, जैसे बर्थडे वगैरह पे हम मोमबत्तियों को बुझाते हैं तो क्या करते हैं, ढेर सारी सांस को हम फेफड़ों में भर लेते हैं और फिर इस तरह से सांस को छोड़ते हैं कि सारी की सारी मोमबत्तियां, इसीलिए इस प्राणायाम का नाम ही कैंडल ब्लोइंग प्राणायाम रखा गया। तो इसके लिए है कि आप ऐसे, मैं ये इसलिए कह रहा हूं जो लोग पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ करके इसे कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, लेकिन मेरी अभी कोशिश उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कर नहीं पा रहे हैं या क्लास ले बैठ नहीं सकते हैं या पद्मासन नहीं लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके भीतर प्रभाव वो दबाव नहीं होना चाहिए कि मैं बैठ नहीं, पहले आप जैसे कर सकते हैं वैसे आप शुरू करें। तो इसमें हल्का सा पहले एक गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे और फिर हल्का सा गर्दन को पीछे करते हुए फेफड़ों में सांस को भरेंगे। सांस को पूरा जितना हम फेफड़ों में ले जा सकते हैं आप देखिएगा, करते समय चेहरों पे तनाव बिल्कुल न रहे, पूरी मुस्कुराहट और मस्ती के साथ। फिर सांस को फेफड़ों में भरेंगे, हल्का सा गर्दन को पीछे में रखते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए हल्का सा आप गर्दन को जैसे हम कैंडल बुझाते समय करते हैं पूरा बच्चों की तरह, जैसे बच्चे मस्ती से कैंडल बुझाते हैं उसी भाव दशा के साथ जो है इसको भी 3 से 5 बार करना है। एक बार और करेंगे, आप चाहे तो थोड़ा रुक रुक के भी छोड़ सकते हैं। कुल उद्देश्य यह है कि फेफड़ों को अधिक से अधिक वायु भर करके, अभी आप देखे होंगे कि कोविड के दौरान जिन लोगों को कोविड हुआ होगा
डॉक्टर जब आपके धीरे धीरे ब्रेथ प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं तो वो एक बॉल लेते हैं जिसमें तीन बॉल छोटी छोटी रहती है और उस सबको कहते हैं कि आप फूंकिए और जितनी देर आप बॉल उससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को ये ठीक वही है कि अगर आप रूटीन में इस अभ्यास को करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ऐसे ही जो है मैक्सिमम रहती है, सेचुरेटेड रहती है, तो आप इस प्रैक्टिस को पूरे आनंद के साथ कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम जो मैं आपको कहूँगा निश्चित रूप से वो ये है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए थोड़ा जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो राजकुमार जी देखिएगा, वज्रासन में सिंपली बैठने का एक तरीका है, अपने पैरों को ही अपनी गद्दी की तरह बना लें और इसको इस तरह रखें कि पूरा आपका जो है ये बॉडी इसमें जा करके फिट हो जाए तो आपके घुटनों में तनाव या पेन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो कोई पतली तकिया या टॉवेल वगैरह मोड़ करके आप अपने एंकर्स के नीचे लगा सकते हैं। इस तरह वज्रासन में बैठ कर करके और देखिएगा 20-20 के 3 राउंड हम करेंगे। आधी मुट्ठी बंद रखेंगे, इसको कंधों के सामने रखेंगे और आंखें बंद रहेंगी। किसी भी प्राणायाम या उसके दौरान आंखों को बंद रखना, चूंकि आपके भीतर ऊर्जा का एक चक्र बनता है और सर्वाधिक ऊर्जा जो हम खोते हैं वो विचारों और आंखों के माध्यम से खोते जाते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि ध्यान करते समय, प्राणायाम करते समय आंखों को बंद रखना चाहिए। तो 3-3 का राउंड करेंगे। इसमें यह है कि जब ऊपर हाथ जाएंगे कोशिश ये रहे कि यहाँ से सीधा ये जाए और बिना किसी तनाव के गर्दन आपकी बिल्कुल चेहरा आपका सीधा रहे और पूरे उत्साह और जोश के साथ। जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े होंगे, प्राइवेसी कोर्स, हैप्पीनेस कोर्स वगैरह किया है वो इससे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आसपास अगर वो होंगे तो आप भी परिचित होंगे उनसे। और ये कहा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी का, अगर आपका मन बैठ रहा है, आपके भीतर आपको लगता है कि ऊर्जा का स्तर कम है, तो खाने से 1 से 1.5 घंटे के गैप के बीच आप इसे कभी भी कर सकते हैं। बस ये कि थोड़ा सा पेट आपका खाली हो और खाने के तुरंत बाद न करें या थोड़ा सा इसमें गैप देना चाहिए आप। तो अपने मन के ऊर्जा के स्तर को उठाने के लिए, सर जो विद्यार्थी हैं पढ़ने लिखने में अगर आप बोर हो जाते हैं, आप थोड़ा सा फ्रीडम फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो इसे आप एकदम जैसे मौसमी का जूस पीते हैं तो ये प्राणायाम में ये मौसमी का प्राणायाम है, ये मौसमी के जूस वाला प्राणायाम है। आप इसको 20-20 का 3 राउंड करें। देखिएगा आप, मैं धीरे धीरे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे एक और लंबी गहरी सांस लें और उसे भी धीरे धीरे जाने दें। अब पूरे जोश और उत्साह के साथ in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 in 11 in 12 in 13 in 14 in 15 in 16 in 17 in 18 in 19 in 20 और धीरे से दोनों हाथों को घुटने के बल ऐसे खुले आसमान के नीचे। और जो भी स्पंदन महसूस हो रहा है, जो भी ऊर्जा का प्रवाह शरीर में हो रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा सजग हो, उसे बस देखने, साक्षी भाव की से उसे देखने की कोशिश करें। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो चाहे तो सुखासन में या आर्ध पद्मासन में भी बैठ कर करके आप कर सकते हैं। से कमर सीधी रहे और फिर वही एक धीरे से लंबी गहरी सांस ले और फिर वही जोश और उत्साह के साथ। इस बार मैं काउंट नहीं करूंगा, पहली बार आपको काउंट कर
रही है आसमान की। एक चीज आपने देखी होगी कि हाथों को लाते समय ये धोकनी की तरह, जैसे लोहार की धोकनी होती है, थोड़ा सा साइड पे आप इसको इस तरह प्रेशर दें तो इससे आपके फेफड़ों पे जोर पड़ता है और श्वास आपकी देर। अब जो लोग आज पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते उनके लिए भस्त्रिका है कि आप सिंपली इस तरह बैठ जाए किसी फ्लैट चेयर पे और बैठ करके आप ऐसे करें, पैरों को समतल जमीन पे रखें और एक धीरे से लंबी गहरी सांस लें और फिर पूरे जोश और उत्साह के साथ। ये है भस्त्रिका प्राणायाम के 3 राउंड आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुटेबल हो आप बैठ करके अर्ध पद्मासन में या वज्रासन में 3 इसको आप 3 तरीके से कर सकते हैं। अब चौथा प्राणायाम जो इस कैटेगरी में लूंगा भ्रामरी। भस्त्रिका का एक सबसे बड़ा जो आपको लाभ मिलेगा कि जो साइड की फैट्स को लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं उस फैट को गलाने में ये प्राणायाम बड़ा सहायक होता है, क्योंकि जो पूरा स्ट्रेस आता है और आपके दूसरा ये कि आपके सोल्जर्स को खोल देता है, आपके कंधों को जो है बहुत जो इसकी जकड़न है, सामान्यतः एज के साथ हमें पूरे हमारे हाथ सीधे नहीं होते हैं या पीछे की तरफ से हम मोड़ना चाहें तो मोड़ने में दिक्कत आती है। तो अगर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं तो ये सारी स्टिफनेस जो है आपकी कम होती चली जाती है। भ्रामरी के लिए सूर्यमुखी मुद्रा कहते हैं, ये दोनों उंगलियां अपने होठों के नीचे रखें, ये दो अपनी नासिका के नीचे रखें, बीच वाली मध्यमा आप देखें इनको आंखों के ऊपर और तर्जनी को भौहों के ऊपर और जो कान अंगूठे हैं इनसे कान के टिप्स को दबाने के लिए यूज करेंगे। सांस में तो हम इसको पूरा दबा लेंगे लेकिन जब हम सांस भीतर से ओम का गुंजार करेंगे या भौरे की तरह जो गुंजन करेंगे तो आप इसको धीरे धीरे खोलते बंद कर सकते हैं तो उससे वाइब्रेशंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए कानों के टिप्स को बंद करेंगे, सांस छोड़ते हुए खोलते बंद करते हुए गूंज करेंगे होने की तरह। अनुलोम पांचवा जो इस कड़ी का प्राणायाम है जिसे आप दैनिक दिनचर्या में
इन्हें आप अनिवार्य भी कह सकते हैं, जैसे ये बेसिक्स है, इसकी आपको रोज जरूरत है। जैसे अभी जो भ्रामरी आपने किया, अगर आप मानसिक वर्क बहुत ज्यादा करते हो, और आजकल कौन ऐसा है जो मानसिक वर्क नहीं कर रहा है, तो ये आपके मस्तिष्क के तंतुओं को बड़ा गहरा विश्राम देता है। अगर आप अनिद्रा से परेशान है, अगर आप बेचैनी से परेशान है, अगर आप घबराहट से परेशान है, अगर आप भय बहुत ज्यादा आपको, तो ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क के जो तंतु है उनको बहुत गहरा विश्राम देता है। तो आप ये कर सकते हैं। अब इस कड़ी का जो आखिरी प्राणायाम होगा वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी इस तरह आप बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुखासन में चाहे तो आप ऐसे बैठ जाएं, या आप अर्ध पद्मासन में अगर कर सकते हैं, या बुद्ध मुद्रा जिसको कहा जाता है आप उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें बैठ करके नाड़ी शोधन करें, और नाड़ी शोधन के बाद अगर आप शांत कुछ देर बैठेंगे तो स्वतः अपनी सांसों के प्रति साक्षी होकर के आप ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ये तर्जनी के टॉप को अंगूठे के टॉप से अपने बाएं और तीन उंगलियां सीधे नीचे की ओर आप रखें। ये दोनों उंगलियां जो है तर्जनी और मध्यमा, इनको अपनी भौंहों पर रखें। गर्दन को सीधे रखें। दाहिने अंगूठे से आप दाहिनी नासिका को बंद करने का के लिए प्रयोग करेंगे, और बाई तरफ जो है आप अनामिका से जो है इसको खोले बंद करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो चक्र है वो चक्र ये है कि पहले हम दाहिनी नासिका से पूरी सांस को खाली कर लेते हैं, और फिर दाहिनी नासिका से भरते हुए धीरे धीरे और इसको बंद करते हैं, फिर बाई नासिका से इसको छोड़ते हैं, फिर इसी बाई नासिका से इसको भरते हैं, फिर इसको यहां से बंद कर लेते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं। तो ये दाहिनी से भरने से लेके छोड़ने तक का जो चक्र है ये एक चक्र है। नाड़ी शोधन के लिए कहा जाता है कि कम से कम इस तरह 9 चक्र का प्राणायाम आपको करना चाहिए, और इसके बाद आप आराम से ध्यान मुद्रा में चाहे महामुद्रा में, दोनों मुद्राओं में से किसी एक में बैठ करके आप शांत चित्त केवल आप, उसके बाद मनोदशा ऐसी होती है कि आप केवल अपने सांसों के प्रति सजग रहें तो धीरे धीरे विचार आपके कम होते चले जाएंगे। तो आइए नाड़ी शोधन शुरू करते हैं।
इन प्राणायामों को पूरा करते करते ध्यान की मनोभूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार कितनी देर बैठना चाहे आराम से बैठ सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, पांचों बेसिक प्राणायाम के जो नाम है कपालभाति, 15 से 20 के आप 3 राउंड उसे करें। दूसरा कैंडल ब्लोविंग, आपको याद हो सांसों को फेफड़ों में भर करके जैसे कैंडल बुझाते हैं उसको 3 से 5 बार आप उसको करें। तीसरा भ्रामरी, भौंरी की गूंज है, सूर्यमुखी मुद्रा में आप अपनी उंगलियों से अपने आँख अपने चेहरे पर रखते हुए और सांसों को भर करके कान के को अंगूठे से दबा करके उसे भी 3 से 5 बार आप करें। चौथा है भस्त्रिका, आप 20-20 के 3 राउंड या 15 के 3 राउंड आप उसको करें और आखिर में आप अनुलोम विलोम को पूरा करके आप ध्यान में बैठ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको कुछ आसनों का चक्र है शरीर को स्वस्थ करने के लिए, एक क्रम से इसे आर्ट ऑफ लिविंग में इसे पद्म साधना कहते हैं और रूटीन में भी ये पूरे आसनों का शरीर का एक चक्र होता है। इसे हम अगली कड़ी में आपके साथ